सीता गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती ताकि वो चार पैसे कमा सके और घर चला सके। लेकिन सर्दी ज्यादा होने के कारण सीता के घर में बच्चे ट्यूशन आना बंद कर देते हैं, जिस वजह से सीता दिन पर दिन परेशान हो जाती है और एक दिन अपनी माँ से कहती है, माँ जैसे तैसे मैं चार पैसे इकट्ठे कर पाती थी, लेकिन अब तो बच्चे भी ट्यूशन आना बंद कर चुके हैं। अब मैं क्या करूँ, कहाँ से पैसे लाऊं और कैसे घर का खर्चा चलाऊं? बेटा तेरा चिंतित होना मुझे समझ आता है, तूने पूरा घर संभाल रखा है। जब से तेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़ कर गए हैं तब से तूने मुझे भी संभाल रखा है और मैं जानती हूँ जिम्मेदारी संभालना बहुत बड़ा काम है। माँ जिम्मेदारी तो हर कोई संभालता है, लेकिन घर में राशन खत्म होने वाला है। मुझे सिर्फ उसकी चिंता है कि हमारे घर में थोड़े बहुत पैसे कहीं पर भी नहीं रखे कि हम थोड़ा बहुत राशन ले आए। नहीं बेटा, तू एक काम कर, जंगल से कुछ फल तोड़ ला और सब्जियाँ भी, हम वही बना लेंगे और घर में रखे चावलों के साथ खा लेंगे। बुरे वक्त में सबको गुजारा करना पड़ता है और अभी हमारा बुरा वक्त चल रहा है, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए और परेशानियों का डट कर सामना करना चाहिए। सीता अपनी माँ की बात समझ जाती है और जंगलों में फल सब्जियाँ लेने चली जाती है। जंगल में पहुंचकर सीता कुछ फल सब्जियां तोड़ लेती है और उन्हें अपनी टोकरी में रखकर घर वापस आ रही होती है कि तभी रास्ते में उसे अचानक इतनी सुंदर लिपस्टिक पड़ी हुई मिलती है। अरे वाह, इतनी सुंदर लिपस्टिक और इतनी अच्छी भी, ऐसी लिपस्टिक खरीदने की मेरी हैसियत कहाँ है? चलो अब जल्दी से मैं इसको अपने घर ले जाती हूँ और माँ को दिखाऊंगी, माँ तो खुश हो जाएंगी। सीता वो सुंदर लिपस्टिक लेकर अपने घर पहुंचती है और अपनी माँ को उसके बारे में बताती है और तुरंत ही अपने होठों पर लगाती है और शीशे में देखकर कहती है, अरे वाह, ये लिपस्टिक मेरे ऊपर कितनी अच्छी लग रही है और मेरी लिप्स कितने सुंदर दिख रहे हैं। हमारी इतनी हैसियत कहाँ कि हम इतनी महंगी लिपस्टिक लेकर लगा सके। ये कहकर वो अपनी माँ के सामने डांस करने लगती है। खुशी से डांस करते करते सीता के सामने बहुत सारी वैसी ही सुंदर लिपस्टिक गिरने लगती है। इतने सारे लिपस्टिक का हम क्या करेंगे और ये लिपस्टिक कहाँ से आ रही है? अरे बेटी, अब हम इस लिपस्टिक को हम बाजार में बेचेंगे और इससे हमें पैसा मिलेगा। सीता और उसकी माँ वो सारी लिपस्टिक लेकर बाजार में पहुँचती है और इतनी सुंदर लिपस्टिक देखकर लोग उनके पास आते हैं और ढेर सारे लिपस्टिक लेकर जाते हैं। सीता की माँ उन लिपस्टिक की तारीफ जिस तरीके से करती है उस तरीके को देखकर औरतें खींची चली आती है और बिना सोचे समझे ढेर सारी लिपस्टिक ले जाती है। देखो देखो, सुंदर लिपस्टिक शायद तुम्हारी जेब से गिर गई है, इसे उठा लो। ये किसकी लिपस्टिक है? जरा देखो, ये मेरे होठों पर लगी है। इसका रंग रूप देखकर तुमसे रहा नहीं जाएगा। इतनी अच्छी मैट लिपस्टिक आज तक तुमने देखी नहीं होगी। कांता के हाथ में फ्रैक्चर जरूर था, लेकिन उसकी जुबान और उसके ग्राहक को बुलाने का तरीका बहुत अच्छा था, जिस वजह से गांव की औरतें खींची चली आती है और ढेर सारे लिपस्टिक खरीद कर ले जाती है, जिस वजह से सीता और सीता की माँ को बहुत ज्यादा मुनाफा होता है और वो ऐसे ही कई महीनों तक लिपस्टिक बेचती हैं। तभी सीता कहती है, माँ जो लिपस्टिक मुझे जंगल में मिली थी वो जादू लिपस्टिक है, क्योंकि इतनी सारी लिपस्टिक उस एक लिपस्टिक से निकल रही है और हमें बेचकर बहुत मुनाफा भी हो रहा है। सीता और उसकी माँ मिलकर अपने घर को बहुत अच्छे से रिपेयर करती हैं और उसमें जरूरत की सारी चीज लाकर रखती हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ लिपस्टिक बेचकर दोनों माँ बेटी को बहुत मुनाफा होता है और उनके घर की रंगत बदल जाती है। लोग उनके घर की रंगत देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी एक दिन कांता की पड़ोसन दोस्त विमला आती है और कहती है, अरे वाह कांता, तेरे घर की तो रंगत ही बदल गई। गांव वाले देखकर हैरान हैं कि कुछ महीनों में ऐसा क्या हो गया जो तेरा घर चमकने लगा और तुम दोनों माँ बेटी भी। अरे अब बस तो देखती जा, हम माँ बेटी को, हम एक दिन अपने इस छोटे से घर को बड़ा घर बना देंगे। अच्छा, मुझे दोस्त मानती है तो मुझे भी इस राज का पता बता दे, मैं भी अमीर हो जाऊं। अपनी दोस्त की बातों में आकर कांता उसे सब कुछ बताती है और विमला एक चालाक चतुर और लालची औरत होती है जिसे पैसे के सिवा कुछ भी नहीं सोचता। देख, मैंने तुझे इस जादू लिपस्टिक का राज तो बता दिया, लेकिन ये राज तू किसी के सामने मत बता दियो। जादू लिपस्टिक लगाती ही कांता बहुत सुंदर दिख रही होती है और कांता जैसे ही कहती है, काश हमारे पास इतना सारा पैसा होता कि हम अपने इस छोटे से घर को बड़ा घर बना सके।
कांता भी इस बात से बेखबर थी कि उसके ये कहते ही उसका छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल जाएगा। और देखते ही देखते कांता का छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल जाता है और वहाँ पास में खड़ी विमला हैरान रह जाती है। तू तो बहुत किस्मत वाली है जो तेरी बेटी को ये जादू लिपस्टिक मिल गई, वरना हम भी तो रोज जंगल में जाते हैं, हमें तो आज तक कोई जादू लिपस्टिक नहीं मिली। लेकिन इस जादू लिपस्टिक का हम गलत कामों में इस्तेमाल नहीं करेंगे, भगवान ने मुझे कुछ सोच समझ कर दी है। विमला बहुत तेज होती है और वह चुपके से कांता की जादू लिपस्टिक चुरा कर ले आती है और घर आकर उसे इस्तेमाल करके कहती है, काश मैं अपने घर को सोने और चांदी के सिक्कों से भर सकूं, लेकिन मेरी किस्मत कहाँ ऐसी कि मेरे घर में सोना चांदी की बारिश हो। विमला चालाक औरत होने के साथ साथ लालची और खड़ूस भी थी, जिस वजह से जादू लिपस्टिक उसको समझ जाती है और उसके कहते ही उसके घर में सोने और चांदी की बारिश की जगह लाठी डंडे की बारिश कर देती है। अरे बचाओ मुझे, अरे सीता कहाँ हो तुम, प्लीज मुझे मत मारो। बहुत पिटाई होने के बाद विमला उस जादू लिपस्टिक को वापस कांता के घर ले जाती है और उसे दे देती है और सारी बातें बताती है। हे जादू लिपस्टिक, मुझे माफ कर दो, मुझे आपके जादू के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए था। आज विमला ने लिपस्टिक चुराई, कल को कोई और चुरा लेगा तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। विमला को अपने किए पर पछतावा होता है और वो कांता से माफी मांगती है। कांता अपनी दोस्त विमला को माफ कर देती है और दूसरी तरफ सीता और कांता अपनी जिंदगी हंसी खुशी जीने लगते हैं, क्योंकि अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होती है।